और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है सुनिएगा, व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, पूरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। कि पूरे देश में एकजुट होना होगा। और आप जान लीजिए बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र 1 पार्टी अलग है। क्या हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। और आप जान लीजिए बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र 1 पार्टी अलग है। अब सब लोग मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। और ये मेरा जो आग्रह है श्रद्धे ओम प्रकाश चौटाला जी से चरण स्पर्श करते हुए फिर इनको हम कहेंगे कि जरा यहां आपके साथ कितने लोग आए हुए, अब आगे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने में लगिए। अब क्या समझते हैं कि कहीं कोई पार्टी ऐसा हो सकता है, कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना सीपीआई सीपीएम के माले के कोई बात होगा? सब तरह के लोगों का, अन्य जो पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में। और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है सुनिएगा आप लोग, हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है। और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, पूरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। और ये लोग कोई काम कर रहे हैं साहब? आप जरा देखते हैं, अभी तो हमारे मीडिया वाले मिलते हैं हम प्रणाम कर देते हैं, वो तो बात करना चाहते हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल पूरे देश में क्या हो गया है, सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण, और एक तरफा बात चलता रहता है। दूसरे लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत छपा, वो सब चीज को बढ़ाया नहीं जाता है। इस हालत से करके हर चीज पर नियंत्रण रखे हुए, इसलिए जरूरत इस बात की है। और दूसरी बात है, समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तो फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। देश जब दो हिस्सा में बट गया था तो क्या सारे मुस्लिम चले गए थे वहां? अरे बापू ने क्या काम किया, सबके लिए काम किए, और जितना वहां थे उससे भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने देश में रह गए। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। आप चाहे जैसा भी हो जाइए, कोई जन्म लेता है तो जन्म लेगा तो कुछ ना कुछ तो बहुत ही गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर कहीं नहीं होता। इसलिए एक बात जान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए। और ये समझ लीजिए, ये तीसरा गठबंधन उत्पन्न की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है, मेन गठबंधन देश में बनेगा और तभी बहुत अच्छे मत से जीतेंगे। और अच्छे मत से जीतेंगे तो अपना आपको जो चाहिएगा, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे गरीब गुरबे का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, समाज के किसी भी तबके के तबकों का है,
उन सबों के उत्थान के लिए मिलकर के काम होगा। इसलिए हम सब लोगों को जो आप जयंती समारोह मना रहे हैं, श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी का हम लोग, और यहाँ पर आने का मौका मिला, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन याद रखिए कि उन्होंने कितना काम किया था, आपका हरियाणा बना कैसे था, ये तो उन्हीं का मूवमेंट था जिसके चलते हरियाणा भी बना। लेकिन हरियाणा तो और पंजाब अलग हुआ, लेकिन आप जान लीजिए उन्हीं का रिश्ता पंजाब से भी सबसे अच्छा था। अभी तो आप ले लीजिए ना, अगल बगल में रहने वाले दोनों लोग मौजूद हैं यहाँ, तो इसीलिए कोई अलग नहीं, अलग राज्य बना, तो इसीलिए उनका तो बहुत बड़ा योगदान है और उन सब चीजों को याद रखना है। तो आज जो आप लोग कर रहे हैं बड़ी भारी बात है, बहुत अच्छी बात है, और इसका आयोजन किए हैं, तो मेरा तो एक ही अनुरोध है कि सब लोग मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। तो आप लोगों को ये पसंद है, अरे एकजुट होना चाहते हैं, आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। अब देख लीजिए सर, सब हाथ उठा दिया, सब लोग हाथ उठा दिए, और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सब लोगों से हम लोगों की बातचीत हो रही है। शरद पवार साहब से कितना बातचीत हुआ, और हमने कहा इनको कि आप जो करिए, सीपीआई सीपीएम सब लोगों को कहा है। और आज तो बड़ी खुशी की बात है कि जब यहाँ पर बादल साहब भी मौजूद हैं, तब एक बार हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अब आप भी सब साथे आ जाइए, अब इधर उधर मत होइए, एक साथ रहिए। और हम तो आप जानते ही ना भाई, आप लोगों की जो इच्छा थी वो हम क्या करते रहे, और आपके पिताजी कितना मानते थे हमको, याद करिए ना कि कितना मानते थे। और जब हम लोगों ने 17 में काम किया वो हमको सब दिन थे। इसीलिए हम सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आज सब लोग एकजुट होकर के आपने जो हाथ उठा दिया है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग मिल करके चलेंगे, व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ावे और मिल करके सबका विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। और समाज में किसी भी तरह का कोई तरह का इधर उधर न रहे, इसलिए सब मिल करके चलेंगे। और आपको मैं तीसरी बार हाथ उठा करके जो आपने आज कह दिया, तो मुझे बड़ी खुशी है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के चलेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।